दोस्तों पेटीएम तो कई लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भूले भटके अभी अभी पेटीएम पे आए हैं, और जिन लोगों को अकाउंट बनाना आता नहीं है और जाने अनजाने में किसी से अकाउंट बनवा भी लेते हैं, तो भैया अपनी पासबुक देखना नहीं आती, कितना बैलेंस है, कितना अपन ने कब किसको ट्रांसफर करा, कितना कहाँ से आया। तो आज की बेसिकली ये वीडियो है, इसमें बताने वाला हूँ कैसे अपन अपनी पेटीएम में बैलेंस को देख सकते हैं, कैसे अपन पासबुक को चेक कर सकते हैं, भैया अपन ने कब किसको पैसे भेजे हैं, कब किसने अपन को भेजे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल इसके मत कीजिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, एक मिनट की होगी। तो इस वीडियो में कमेंट आप सीख जाएंगे कि आपके पेटीएम अकाउंट में कितना बैलेंस है और आपने कब किसको क्या भेजा, कितना कब क्या आया। तो मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर जी यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं कि पेटीएम में बैलेंस कैसे चेक करते हैं। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप पेटीएम में अपना अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, मतलब कि आपके पेटीएम में कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, और कब आपने किसको कितने रुपए सेंड किए हैं या किसने आपको कितने रुपए सेंड करे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेटीएम को ओपन कर लेना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेटीएम को ओपन करते हैं तो आपका जो नेट है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा नेट बंद है तो मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको हमेशा अपने पेटीएम ओपन करते पहले नेट को ऑन कर लेना, ठीक है दोस्तों। नेट को ओपन कर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपके सामने पेटीएम खोलेंगे तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, है ना दोस्तों। आपको नीचे ऊपर जो ब्लू ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, पे यूपीआई मनी ट्रांसफ़र ऐड मनी, इसको आपको स्लिप कर स्लाइड करना खिसकाइएगा, ऐसा बंद उंगली से खिसकाइएगा। आँख खिसकाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पासबुक। तो आपको करना क्या है, पासबुक जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने देखिए दोस्तों, आपका जो बैलेंस है पेटीएम में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पेटीएम में शो हो चुका है, 1,125.50 रुपये अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों आपने कब कितना पेमेंट आपके पास आया है, कितना नहीं आया है, कब आपने किसको भेजा है, वो देखने के लिए आपको पेटीएम वॉलेट पे जो आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए जब क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपके पास अवेलेबल बैलेंस ऊपर लिखा आएगा और आप नीचे देखेंगे रिसेंट। तो देखिए दोस्तों, ये आपने कब किसको क्या पैसे भेजे हुए हैं, किसने आपको भेजे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री यहाँ आपको देखने को मिल जाती है हर टाइप की, कि कब अपने पास पैसे आए, कितने अपन ने कहाँ किसको भेजे हैं, ये पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हर एक चीज़। ठीक दोस्तों, पहला तरीका ये है, अगर आपका इसमें कोई बैंक अकाउंट कनेक्ट है तो वो यहाँ भी देखने को मिल जाता है। मैंने लिखा हुआ है यूपीआई पेमेंट, ये मेरा अकाउंट का यहाँ पे दिखा हुआ है सिंपल। अगर मुझे अपने अकाउंट का चेक करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा जो यूपीआई पिन है वो डालूंगा, लेकिन मैं डाल के नहीं दिखाऊंगा। आपको अपना यूपीआई पिन यहाँ पे डालना होगा, जब डाल देंगे आप तो आपका जो बैलेंस है, जो आपका अकाउंट जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो यहाँ शो हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से अपना पेटीएम को जो बैलेंस है आप देख सकते हैं और कब किसको क्या भेजा हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस दोस्तों, बड़ी बात नहीं, सिर्फ पासबुक में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पासबुक क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेटीएम वॉलेट का जो बैलेंस है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अपना पेटीएम जो अपना कार्ड होता है, अगर कोई कार्ड भी है तो आप यहाँ से कार्ड का बैलेंस भी देख सकते हैं, है ना। मेरा लाइक कार्ड है लेकिन मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़ लिखी आती है। मैं सिर्फ पेटीएम वॉलेट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको मैंने बता दिया कैसे आपको पेटीएम वॉलेट को चेक करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीख गए होंगे कि आपके पेटीएम अकाउंट में कितना बैलेंस है और आपने कब किसको क्या भेजा है और कब आपको किसने क्या भेजा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं आपसे जो कि निवेदन ही कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर आ चुके हैं या जो पहले से हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिएगा, और जो बिल्कुल ही नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कई सारी वीडियो मिलती रहे रोज रोज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।